आईपीसी में मेंस रिया को किस तरीके से लिखा गया है, मैं आपको ये ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहता हूं। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसा टाइम आ गया है कि आप जो भी काम कर रहे हैं सब छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करें वीडियो पर और स्क्रीन की तरफ, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है, और ग्राफ में ये ग्रीन पॉइंट आपको यहां पे चमक रहा होगा, ये ग्रीन मैंने इसलिए बनाया है इसको कि इस पॉइंट पे जो हमारा गिल्टी इंटेंशन होती है, गिल्टी माइंड होता है, मेंस रिया होता है, वो यहां पे बिल्कुल जीरो होता है। दो तरीके का मेंस रिया आपको देखने को मिलेगा आईपीसी में दोस्तों। मैं अपनी भाषा में बताऊं तो एक नेगेटिव टाइप का मेंस रिया है और दूसरा पॉजिटिव टाइप का मेंस रिया है। तो मैंने इसको ग्राफ पे इसीलिए लिया है कि ये जो पॉइंट है ये ना नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव मेंस रिया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है आईपीसी में गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक। सेक्शन 52 आईपीसी जब पढ़ेंगे आप तो वहां पे लिखा गया है कि अगर कोई काम पूरे ड्यू केयर एंड अटेंशन से किया गया है तो कहा जाएगा कि वो काम गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक किया गया है। और ऐसा कोई भी कार्य जो गुड फेथ में किया गया हो वो कभी भी क्राइम की कैटेगरी में, अपराध की कैटेगरी में नहीं आता, इसीलिए मेंस रिया को मैंने जीरो पे रखा है। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में ये पॉइंट जीरो होता है और यहां से नीचे माइनस की नेगेटिव चीजें होती हैं और यहां से ऊपर पॉजिटिव चीजें होती हैं। तो इस पॉइंट पे आप समझ जाएं कि गुड फेथ होगा, और इस पॉइंट का अगर माइंड सेट है किसी पर्सन का तो कभी भी वो गिल्टी नहीं हो सकता और वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहां से नीचे मैंने केवल दो मेंस रिया रखे हैं, एक मेंस रिया है रैस और दूसरा है नेग्लिजेंट। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा रखा है। इससे ऊपर पॉजिटिव मेंस रियाज को अगर हम देखें तो मैंने रखा है सबसे पहले रॉन्गफुली। हमारा माइंड कैसा है, रॉन्गफुली है। जब हम रेस्ट्रेन करने के सेक्शंस पढ़ते हैं, सदोष अवरोध वाले सेक्शंस हम पढ़ते हैं, तो वहां पे रॉन्गफुली टाइप का माइंड आपको मिलेगा, मेंस रिया हमारा रॉन्गफुली होगा। दूसरा मैंने लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहां पे पर्पज क्या है माइंड को, माइंड को पता है कि मैं किस पर्पज के लिए काम कर रहा हूं, एक्सप्लॉयटेशन के लिए काम कर रहे हैं। ये आपको ट्रैफिकिंग वाले सेक्शंस में 370 आईपीसी वगैरह में देखने को मिलेगा। तीसरा है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब है बेईमानी पूर्वक, और बेईमानी पूर्वक का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से काम करता है कि किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो जाए और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो जाए तो वो डिसऑनेस्टली कहलाता है। अगला माइंड है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली मतलब कपट पूर्वक, किसी के साथ धोखा देने की नियत है उसकी, कपट पूर्वक कोई काम करना चाह रहा है तो उसका माइंड सेट हो गया फ्रॉडुलेंटली। वॉलेंटरली अगला है, वॉलेंटरली। आप जब भी हर्ट के केसेस आप पढ़ें देखें तो वहां पे वॉलेंटरली वर्ड का आपको काफी यूज होता हुआ मिलेगा। इसका मतलब है कि उसने जो भी कार्य किया है वो वॉलेंटरली किया है, अपनी स्वेच्छा से किया है और वो जानता है कि मैं क्या कार्य कर रहा हूं। अगला है हैविंग रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण है। ये भी एक तरीके का माइंड है आईपीसी में। जब आप स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन स्टोलन प्रॉपर्टी को ये जानते हुए, विश्वास का कारण रखते हुए कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है, फिर भी रिसीव करता है तो उस पर्सन को सजा मिलेगी, 411 है आईपीसी में। फिर अगला लिखा है विद द नॉलेज, या फिर नोइंगली लिखा मिलेगा आपको। मर्डर के केसेस में आप देखेंगे 299-300 आप पढ़ें तो वहां पे इस नॉलेज का यूज हुआ है और बहुत सारी सेक्शंस में नॉलेज का यूज हुआ है। तो एक तरीके का हमारा मेंस रिया होता है नोइंगली विद नॉलेज, कि हमने ये काम कर रहा है उसको नॉलेज है कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगला है इंटेंशनली, सेम 299-300 और बहुत सारी सेक्शंस में आप पढ़ेंगे तो वहां पे इंटेंशनली टाइप का मेंस रिया है, यानी साशय आशय पूर्वक कोई काम कर रहा है, विद इंटेंशन टू कॉज समथिंग कर रहा है। और एक और मैंने लिख दिया है लास्ट में इलीगली। तो इस टाइप के मेंस रिया आपको मिलेंगे। यहां पे मैं अब आपको बताना चाहूंगा हमारी पुलिस क्या क्या गलतियां कर जाती हैं इनको ध्यान में रखते हुए। इनका ठीक से समझ ना होना गलती का एक कारण है, और उस गलती को कई बार हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। पहले मैं ये समझा देता हूं आपको कि मैंने यहां से नीचे वाले जो दो मेंस रिया हैं इनको नेगेटिव मेंस रिया क्यों बोला और इनको पॉजिटिव मेंस रिया क्यों बोला। इनमें के रिजल्ट इस पर्सन को पता होते हैं। यहां पे पहला है रेस। रेस का मतलब होता है कि वो सब कुछ जल्दबाजी में कर रहा है। यहां पे
उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर रिजल्ट प्राप्त करे। हाँ, उसको ये जरूर पता है कि मैं जैसा कर रहा हूं इससे कोई दुर्घटना हो सकती है, बट वो समझता है कि दुर्घटना निश्चित नहीं है, सर्टेनली वो दुर्घटना एक्सीडेंट या कोई भी और अनफॉर्चुनेट एक्ट नहीं होगा। तो यहां पे कुछ डेफिनेट रिजल्ट उसको नहीं पता होता, इसलिए ये मैंने नेगेटिव मेंस रिया में रखा है। सिमिलरली नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट भी क्या होता है कि कुछ ड्यूटी कास्ट की गई होती है पर्सन के ऊपर, लेकिन वो ड्यूटी को नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है, वो सोच लेता है ठीक है हो जाएगा सब ऐसे ही। वहां पे भी कोई डेफिनेट रिजल्ट का पता नहीं होता कि जैसा मैं एक्ट कर रहा हूं इससे कोई पर्टिकुलर डेफिनेट ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं पता होता है करने वाले को, तो वहां पे भी नेग्लिजेंट कहा जाता है, लापरवाही कही जाती है उस पर्सन की। तो इन दोनों मेंस रियाज में कुछ ना कुछ कमी होती है माइंड में, तब ये मेंस रिया पैदा होते हैं, और इसीलिए मैं इनको नेगेटिव फॉर्म में रखता हूं। और दूसरे जितने भी मेंस रिया हैं ऊपर वाले, इनमें पता होता है एक सर्टेन रिजल्ट आएगा और सर्टेन रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए ही वो पर्सन काम करता है, तो इसीलिए ये सारे पॉजिटिव मेंस रिया हैं। अब मुझे आप ये बताएं, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी पर्सन का माइंड सेट मेंस रिया क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव में से कोई भी एक? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गलती मैं बताता हूं, एक पुलिस है अपने स्टेट की, आप बताना अगर आपको पता है तो कौन सी पुलिस है, कमेंट करके आप बताइएगा। वो पुलिस ऐसा करती है कि एक्सीडेंट का एक केस है जिसमें क्या हुआ कि एक कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, उसमें मोटरसाइकिल को भी डैमेज हुआ, उसमें मोटरसाइकिल सवार को भी इंजरी हुई। तो जो कार ड्राइवर है, अब इसके ऊपर वो पुलिस क्या करती है, दो धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देती है। पहली धारा है 279 आईपीसी, जहां पे ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन ने रैश या नेग्लिजेंटली किसी मोटर व्हीकल को ड्राइव करके किसी व्यक्ति की लाइफ को खतरे में डाल दिया है, तो उस पर 279 आईपीसी का मुकदमा बनता है। मींस कि उसको जितनी ड्यू केयर रखनी चाहिए थी, जितनी अटेंशन रखनी चाहिए थी, उस पर्सन ने उतनी अटेंशन रखे बिना गाड़ी चलाई, इस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। और साथ में जो मोटरसाइकिल सवार की मोटरसाइकिल में जो डैमेज हुआ, उसके लिए वो पुलिस लगा देती है 427 आईपीसी, 427 आईपीसी। तो दो धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देती है, 279 एंड 427 आईपीसी। जब आप 427 आईपीसी को देखेंगे तो वहां पे मिसचीफ की पनिशमेंट है, और मिसचीफ की डेफिनेशन आप 425 आईपीसी पढ़ेंगे तो वहां पे नॉलेज है उस पर्सन को, वो जो कुछ एक्ट कर रहा है, जिस एक्ट की वजह से डैमेज हो रहा है किसी प्रॉपर्टी को, वो उसकी नॉलेज में है, विद द नॉलेज करता है, इंटेंशनली करता है वो कि मुझे ये डैमेज उसको पहुंचाना है। तो अब आप ये बताइए कि एक तरफ तो वो पुलिस ये कहती है कि एक पर्टिकुलर एक्ट जिसके कारण मोटरसाइकिल में कार हिट हुई वो नेग्लिजेंट था, दूसरी तरफ वहीं कहती है कि यही एक्ट इंटेंशनली किया गया था, विद नॉलेज किया गया था वो डैमेज करने के लिए। तो क्या दोनों टाइप के मेंस रिया, दोनों टाइप के माइंड एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। एक नेगेटिव मेंस रिया, एक पॉजिटिव मेंस रिया, दोनों किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे इकट्ठे नहीं हो सकते, और एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की सजा नहीं दी जा सकती। अगर आप ये कहते हैं कि वो एक्ट नेग्लिजेंट था जिस एक्ट की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्ट नोइंगली किया गया था या विद इंटेंशन किया गया था, विद नॉलेज के साथ किया गया था। आप एक ही बात कह सकते हैं कि या तो कहें कि वो एक्ट उसने नॉलेज से किया था, इंटेंशन से किया था, या फिर आप कह सकते हैं कि वो एक्ट नेग्लिजेंटली किया था। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखूंगा, और अगली वीडियो में हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इंडियन केसेस के साथ में मेंस रिया को किस तरीके से टाइम टू टाइम इंटरप्रेट किया गया है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के सेंस में, उसको भी हम देखेंगे। उसके लिए उसके साथ में इंग्लिश केस लॉज क्या कहते हैं उनको भी हम देखेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक का आप वेट करें दोस्तों। ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, कोई एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है यहां से आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।